करते हैं। रामपुर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने पत्ते खोल दिए हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से रामपुर उपचुनाव में आसिम रजा को प्रत्याशी बनाया गया है। आसिम रजा आजम खान के बेहद करीबी माने जाते हैं और रामपुर से लोकसभा उपचुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। आज आजम खान के नेतृत्व में अहम बैठक कल हुई और जिसमें अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहे। इस बैठक में आसिम रजा को रामपुर उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने की मांग उठी और वहीं रामपुर उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने के बाद आसिम रजा ने बीपी गंगा से खास बातचीत की। रामपुर में भारी बहुमत से उपचुनाव में जीत दर्ज करने का उन्होंने दावा किया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आसिम राजा को प्रत्याशित घोषित किया गया है रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए। हमारे साथ आसिम राजा साहब हैं। आसिम राजा साहब, समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर आप पर रामपुर में विश्वास जताया है, क्या कहना चाहेंगे? ये आजम खान साहब ने विश्वास पहले भी जताया था, आज भी है। मेरा आजम खान से जो संबंध और रिश्ता है, ये वो विश्वास है जो लंबे अरसे में 40 साल से कायम है। हमने लोकसभा के इलेक्शन में भी पूरी कोशिश की थी, बेहतरीन इलेक्शन लड़ा था और जिस तरह इलेक्शन में हुआ है वो सब आपके सामने है। क्या हुआ, लोकसभा के उपचुनाव में भी आप समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे और एक बार फिर अब समाजवादी पार्टी ने जो शहर विधानसभा सीट है, जो आजम खान की परंपरागत सीट रही है, उस पर आपको प्रत्याशी घोषित किया है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमने पिछले इलेक्शन में भी अपनी जिम्मेदारी महसूस की थी और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आजम खान की, जैसा आप कह रहे हैं, परंपरागत सीट है और उस बार भी आजम खान ही सीट छोड़ी थी पार्लियामेंट की, लेकिन हमारी कोशिश पूरी ये रहेगी कि रामपुर वालों ने जो प्रेम पिछली बार दिया है, पिछली बार भी हमने सीटी जीता था, 33 विधानसभा जीती थी, इस बार बड़े मार्जिन से जीतेंगे। रामपुर के साथ जो हो रहा है लोग देख रहे हैं, पिछले लोकसभा इलेक्शन में जो कुछ हुआ, लोगों के मताधिकार के साथ जो खेल खेला गया, वो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि कुछ नहीं होगा, निष्पक्ष चुनाव होंगे और रामपुर वाले ने आजम खान साहब को जैसे हमेशा प्रेम दिया है, असल में आजम खान साहब का इलेक्शन है, उन्हीं का इलेक्शन है, वही कैंडिडेट है। हम तो उनका वर्कर हैं, एक फेस है हमारा और जो उनके साथ हुआ है, हम तो उनके साथ चलने वाले लोग हैं, एक अच्छे मिशन में 40-45 साल से हम भी लगे हैं। नॉमिनेशन कराने का इरादा कब है आपका? कोशिश करेंगे कि परसों हो जाए। अच्छा, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है अपनी? इंशाल्लाह शहर आजम खान साहब को एक बहुत शानदार जीत का तोहफा देगा। और वहीं रामपुर विधानसभा सीट से भाजपा ने आकाश सक्सेना को मैदान में उतारा है। आजम खान की विधायक रद्द होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, ये आप जानते हैं, जिसके लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। रामपुर का जो चुनाव था वो हम विकास के मुद्दे पर, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और रामपुर में जो रोजगार की एक समस्या है उसको बहुत बड़ा तौर पर जिसको आज हमेशा दिक्कत रही है उस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव यहाँ ऐतिहासिक चुनाव होगा, ऐतिहासिक विजय की वजह बिल्कुल होगा। और अब आजम चैप्टर क्लोज हो चुका है रामपुर में, सिर्फ रोजगार की बात हो, रोजगार की बात हो, सिर्फ रोजगार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।